बिग बॉस से निकलते ही गाइस सलमान खान और गाइस बिग बॉस के ऊपर उन्होंने एक डिस्ट्रैक्ट निकाला था। और गाइस जैसे कि आपको पता होगा गाइस कल बिग बॉस का गाइस फिनाले था गाइस, उसमें गाइस क्या होता है जिन बंदू को गाइस बिग बॉस से बाहर निकाला गया था गाइस वो सभी बंदू को बुलाया गया था, लेकिन गाइस वहां पे UKG7 Rider नहीं आए थे। तो इसी चीज को लेते हुए गाइस सलमान खान ने UKG7 Rider के गाइस डिस्ट्रैक्ट के ऊपर कुछ रिएक्ट किया और उन्होंने ये कहा कि जो UKG7 Rider है ना वो बिग बॉस से निकलने के बाद मेरे ऊपर और बिग बॉस के ऊपर इतना ज्यादा खफा हो गया कि उसने निकलते ही मेरे ऊपर डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया। और उन्होंने ये भी बोलता कि उसने डिस्ट्रैक्ट तो निकाल लिया, अगर उसको हमने बुलाया था वो इसलिए नहीं आया, वो कौन सा मुंह लेके यहाँ पे आता क्योंकि उसने बिग बॉस के ऊपर ऑलरेडी काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट निकाल दिए थे। और लास्ट में उन्होंने UKG7 Rider को पोक करते हुए ये भी बोला कि राइडर कहीं वादियों में राइड मार रहा होगा। बाकी आपको क्या लगता है UKG7 Rider सलमान भाई को ना रिप्लाई करने वाले कि नहीं कॉमेंट करके जरूर बताना। आपको पता होगा यार मुनव्वर फारूकी जो है ना वो बिग बॉस जीत चुके हैं, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। सब बात करते हैं यार उन बंदू की जो ना अभिषेक को सपोर्ट कर रहे थे बाहर से। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम थारा भाई जोगिंदर के बारे में। थारा भाई जोगिंदर ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने बोला यार सोच समझ कर वोट करना, जीतना चाहिए हमारा अभिषेक भाई। तो सबसे पहले आप छोटी सी स्टोरी देख लो। बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि बिग बॉस की ट्रॉफी कौन जीतेगा। हिंदुस्तान के भाइयों अभी भी टाइम है सोच समझ के वोट करना। तुम्हें अच्छे से पता है किसको वोट करना है किसको नहीं करना। अपना वोट अभिषेक को है। जय श्री राम। नेक्स्ट हम बात करने वाले गाइस बॉबी देओल के एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मूवमेंट के बारे में। मैं आपको बता दूं गाइस उनकी एक फैन उनसे मिलने के लिए आती है गाइस, वहाँ पे होता क्या वो उनके साथ सेल्फी ले रही होती है और सेल्फी लेते लेते गाइस वो उनको किस कर देती है। वहाँ पे बॉबी देओल का काफी ज्यादा शॉकिंग वाला रिएक्शन आता है। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। मैं आपको बता दूं गाइस ये वीडियो ना काफी ज्यादा वायरल हो गई थी और इसके नीचे काफी ज्यादा बंदे गाइस कमेंट करके बोल रहे थे कि ये जो सिचुएशन हुई है इस सिचुएशन को रिवर्स कर दो, अगर उस लड़के की जगह कोई लड़की होती कोई लड़का उस लड़की को किस कर देता तो वहाँ पे बहुत ज्यादा गलत सीन हो जाते थे। तो बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो रही पूरी जटरफ जोत की। जटरफ जोत कह रहे हैं यार मैं दो बार इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं, मेरे को ना हायाबुसा लेनी चाहिए एस्टोरेंट आरा लेनी चाहिए। सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। मेरा मन है अपने घर भी एक एस्टोरेंट आरा होनी चाहिए। मैं ना दो बाइकों में कंफ्यूज हूँ, या तो नई वाली हायाबुसा या नई वाली 1000 RR, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दोनों मेरी फेवरेट है, हायाबुसा तो शुरुआत से फेवरेट है। बाकी आप लोग एक बार कमेंट करके बताना क्या लेना चाहिए, नई वाली 1000 RR या हायाबुसा, दोनों में से जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे ना 20-30 हजार कमेंट होंगे तो वो वाली बाइक उठा लेंगे हम। और गाइस यार आपको पता होगा जट प्रभजोत ने काफी दिनों से बोल रहे थे कि मैं लॉर्ड अल्टो की डिलीवरी लेने वाला हूं। और गाइस यार फाइनली उन्होंने लॉर्ड अल्टो की डिलीवरी ले ली है। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। फाइनली हम ले रहे हैं लॉर्ड अल्टो की डिलीवरी और ये रही हमारी गाड़ी। दिखा दी जाए फिर, दिखा दी जाए। 1 2 3 और गाइस जट प्रभजोत कह रहे यार कोई भी मेरे अल्टो को ना अल्टो नहीं कहेगा, उसको ना लॉर्ड अल्टो कहेगा। और कमेंट बॉक्स में ना लॉर्ड अल्टो है जो वो बिल्कुल स्पैम हो चुका है। जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है आमिर भाई की साइड से। और आपको पता होगा आमिर भाई ने अपनी ड्रैगन को सेल कर दिया था यानी Z1000 को। और गाइस आज आमिर भाई ने गाइस वही वाली अपनी Z1000 दिखाई है। और आमिर भाई ने बताया कि मैं बहुत जल्दी ये वाली Z1000 लेने वाला हूं। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। अभी पेमेंट वगैरह का आप आज के साथ बात करते हैं एंड तुम बस वीडियो में मुझे कमेंट करके बताओ, जितने ज्यादा कमेंट करके बताओगे यही बाइक लेकर मैं कश्मीर आ रहा हूं तुम सबके पास गाइस। एंड फोन वगैरह तुम्हें पता ही है जो प्रॉमिस तुमसे किया है। सारे बोल रहे हैं आमिर भाई यार 2 महीने से तुम ना ही बाइक चला रहे हो ना ही कुछ कर रहे हो, तो शेर कितना भी पुराना हो जाए या शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए रहता वो शेर ही है गाइस। और गाइस आमिर भाई ने उन बंदों को पोक करते हुए देखे जो ना अभिषेक को सपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने ये कहा यार कुछ बंदे ने सपोर्ट करते रह गए और हमारा मुनव्वर भाई जो है वो ट्रॉफी लेकर घर भी आ गया है। तो सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। हमारा मुनव्वर भाई जो है वो बिग बॉस जीत चुका है गाइस। कुछ लोग ना सपोर्ट करते रह गए भाई, लेकिन ट्रॉफी हमारा भाई लेके आया। क्या बोलते हो, मुनव्वर भाई को बहुत सपोर्ट किया, दिल से सपोर्ट किया। सुबह जो नेक्स्ट मीटर रही है आलिन व्लॉग की साइड। मैं बहुत जल्दी ना एक मीटअप रखने वाला हूँ और उस मीटअप में ना मैं अपनी हाल को रिवील करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। मैं मीटअप की डेट आपको 7 दिन पहले बता दूंगा, ठीक है। तो मीटअप बहुत खतरनाक वाला करना है, बहुत टाइम के बाद हम मीटअप करने वाले हैं, तो अच्छा सा मीटअप करेंगे, ठीक है। और हल को भी मैं आपके सामने रिवील करूंगा और गिवअवेज भी रहने वाले हैं। जो नेक्स्ट मीट होने वाली है वो भी आलिन व्लॉग की साइड से ही होने वाली है। आलिन व्लॉग ने एक बहुत तगड़ी सी स्क्रिप्टेड वीडियो अपलोड किया। वहाँ पे होता क्या, रेडी वाले को बोला जाता है कि तू बताऊ क्या करना, जैसे मैं बाइक लेके आऊंगा तुरंत धक्का देना। जैसे आलिन व्लॉग जो है सुपर बाइक लेके आते तो पीछे से मुन्ना देख ले रहा उसे खिड़की से दे तक काम मारता। सबसे पहले आप छोड़ दी क्लिप भी देख लो। भाई
दे रहा था यार। ठीक है ना, नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हम अभी आपको बता दें यार, जो ऑल इन लॉग के एंगल से देखोगे तो वो स्किपरी वीडियो नहीं लगी, लेकिन जो पीछे एंगल से शूट की गई है वहां से हमेशा 100% स्किपरी वीडियो देखी जा रही है। जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है एलवी शादव की साइड से। सो गाइस यार आपको पता होगा, इस कल के ब्लॉग में ना एलवी शादव गाइस थोड़े से बीमार दिखे थे, और गाइस यार वहाँ पे उन्होंने बिग बॉस का विनर अनाउंस होने से पहले गाइस उन्होंने गैस करके बताया था कि कौन सा बंदा जीतेगा। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। रीजन बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि कौन जीतेगा। ये नहीं कि मैं चाहता हूँ कोई जीते, मुझे ऐसा लगता है कि मुनावर जीतेगा। क्यों लगता है मुझे ऐसा? क्योंकि यूके राइडर को निकाला, पर्पसली निकाला, और ना सपोज जितने भी लोग थे सोशल मीडिया पे भी उनका फॉलोअर्स थे, जिसके सबसे ज्यादा गेन हुए, उससे पता लग जाना चाहिए तुम्हें कि किसके जितने फॉलोअर बढ़े तो उस हिसाब से उसके वोटर भी बढ़े होंगे। तो उसने सबसे ज्यादा फॉलोअर्स गेन करे, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो वो जीतेगा। और गाइस यार आज एलवी यादव का कोई भी व्लॉग नहीं आया, तो इसी चीज के ऊपर गाइस एलवी यादव ने अपने कुछ इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ रिएक्ट किया है, तो पढ़ के दिखा दे। पढ़ लगाना था, बकवास करना। वहाँ पे लिखा है नो व्लॉग टुडे, तबियत ज्यादा ही खराब है। जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है लव कटारिया की साइड से। सो गाइस यार मैं आपको बता दूंगा, इस बिग बॉस फिनाले के बाद गाइस लव कटारिया ने भी कुछ रिएक्ट किया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। भाई बहुत अच्छा फिनाले था, और सो प्राउड ऑफ अभिषेक भाई, सो प्राउड, एंड कॉन्ग्रेट्स मुनावर एंड मुनावर की टीम को भाई कि जीत गए आप लोग। भाई देखो ट्रॉफी एक ही थी, एक ही बंदा लेके जाएगा ना, सिंपल सी देखो सरल बात बता रहा हूँ। पर अपनी जनता ने, जिसने मेरे कहने पर या हमारी टीम के किसी भी कहने पर अभिषेक भाई को सपोर्ट किया, उन सबका थैंक यू सो मच। खत्म हो लिया भाई ये वाला सीजन बिग बॉस का, दवाई मचाते हैं गाइज, आप बने रहें, आप अच्छा कुछ फेब में लेके आएंगे आप लोगों के लिए बहुत तगड़ा, ठीक है ना। थैंक यू गाइज, थैंक यू, गुड नाइट, लव यू अभिषेक भाई, सो प्राउड ऑफ यू ब्रो। जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है प्रो राइडर 1000 की साइड से। सो गाइस मैं आपको बता दूंगा, इस प्रो राइडर 1000 ने गाइस एक वीडियो अपलोड की थी, और गाइस मैं आपको बता दूंगा उन्होंने दोबारा से उसी वीडियो को वापस से अपलोड किया है, बस थंबनेल में थोड़ी सी चेंजिंग करके। इसी से रिलेटेड गाइस उनके ऑडियंस कुछ कमेंट करके उनको बोल रही है, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं। ऑडियंस उनको बोल रही है कि सैम अननेसेसरी रिव्यूइंग सैम कंटेंट ओवर एंड ओवर अगेन। उनकी ऑडियंस ये बोल रही है कि ये सैम कंटेंट बार बार अपलोड कर रहे हैं, तो बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में, ये सैम वीडियो वापस उन्होंने क्यों अपलोड की, कमेंट करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो रही है आलम व्लॉग की साइड से। तो इस आलम व्लॉग ने मुनावर फारूकी को कांग्रेचुलेशन करते हुए दिखे अपनी स्टोरी में, और गाइस यार यूके जो 7 राइडर ने भी गाइस मुनावर फारूकी के ऊपर अपने ट्विटर के ऊपर गाइस कुछ ट्वीट किया था, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं। आत्मसम्मान के लिए मैं उसकी झूठी तारीफ भी नहीं कर सकता। फॉर दोस हु आस्किंग आई सेड टू अटेंड बिग बॉस फिनाले। उसी ट्वीट पर यूके 7 राइडर को एक उनका फैन रिप्लाई करता है, और रिप्लाई करते उनको यह लिखता है कि जिस कुर्सी पर इज्जत नहीं उस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, प्राउड ऑफ यू बाबू भैया। और इसका रिप्लाई देते हुए बाबू भैया ने रिप्लाई दिया कि ब्रो सेना ऑन टॉप। आपको पता होगा यूके 7 राइडर ने बताया था कि मैं बहुत जल्दी एक सुपर कार मैक्लेरन लेने वाला हूँ, और गाइस उन्होंने आज की वीडियो में बोला कि अगर 10,000 कमेंट्स हो गए तो मैं मैक्लेरन ले लूंगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो गाइस, मैक्लेरन लेनी चाहिए नहीं चाहिए। मैंने एक वीडियो प्ले करके बता रहा हूँ, अगर इस व्लॉग पे 10,000 कमेंट आएंगे ना कि बाबू भैया मैक्लेरन ले लो, तो फिर हम लोग मैक्लेरन ही फाइनल कर देंगे। और गाइस यार मैं आपको बता दूंगा, इस कमेंट्स ने 10,000 से ऊपर भी हो चुके हैं, तो अब मेरे को लगता है कि यूके 7 राइडर पक्का मैक्लेरन लेने वाले हैं। जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है हम दोनों की साइड से। सो गाइस यार मैं आपको बता दूंगा, इस कल हमने शाहदरा शरीफ गए थे, और हमने गाइस अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि जिस बंदे ने ना हमसे मिलना है तो वहां पे आ जाना, और गाइस यार हमने सोचा नहीं था कि इतने ज्यादा बंदे हमसे मिलने के लिए आएंगे। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। चेक करें यार कितना यहाँ पे क्राउड हो चुका, मतलब हमने ना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टोरी डालने से मतलब इतने बंदे आ जाएंगे। ये चेक करें गाइस, भाई साहब मतलब अभी तो थोड़े नीचे भी रह गए, हम थोड़ा ऊपर आ गए ना, वहां पे कम से कम ना 25-30 बंदे वहां पे भी थे। ओ बाकी गाइस थैंक यू सो मच यार सबका, मतलब हम दोनों ने कभी सोचा नहीं था इतने ज्यादा बंदे आ जाएंगे वहाँ पर। और गाइस यार आज की अपडेट यहीं तक थी, वीडियो देखते हैं तो यहाँ तक पहुंची हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी गाइस अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये हमारी आईडीज दिख रही है, तो आप सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो। बाकी गाइस हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट्स में, तब तक के लिए एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दो, ये जो पीछे क्लिप देखी है।